सिर्फ सत्ता सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्रहित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता, समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। एक वायरस ने दुनिया को जिंदगी के अनमोल सबक दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि एक वायरस, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की, जिस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार अरबों खर्च कर भी नियंत्रण नहीं कर पा रही थी, उस प्रदूषण को कुछ ही महीनों में कोरोना वायरस ने नियंत्रण कर दिया। तो कहते हैं ना, हर सिक्के की दो पहलू होती है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जी हाँ, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हम अक्सर निगेटिव पहलू पर ही क्यों फोकस करते हैं। कोरोना काल ने अगर सच माने तो दुनिया को एकाक रोक कर यह सोचने का मौका दिया है कि भविष्य में इंसान और इंसानियत के लिए क्या जरूरी है। आपको बता दें कि पैसा कमाना तो चलता रहेगा, अंधाधुंध पैसा कमाने के दौर में दुनिया के हित में क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं, यह भी सोचना बेहद जरूरी है। कोरोना काल व लॉकडाउन ने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह दिया है कि अगर हम खुशहाल रहना चाहते हैं और आपसी भाईचारा है, तो बेहद सीमित संसाधनों में भी प्यार मोहब्बत से रहा जा सकता है। कोरोना काल व लॉकडाउन के दौरान ना सिर्फ स्कूल कॉलेज बंद थे बल्कि फैक्ट्रियां भी बंद थी। जी हाँ, आपको बता दें कि कई सारे ऑफिस, कॉलेज और फैक्ट्रियां बंद थी, जिसका सीधा प्रभाव प्रकृति पे पड़ा। प्रदूषण कम हुए और कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले जो शायद ही कभी नजर आए हो। दुनिया में इस वक्त प्रकृति या इंसान के द्वारा उत्पन्न वायरस के चलते हर तरफ जीवन मरण के संघर्ष की अजीब स्थिति कायम हो गई है। संकट के इस काल में हमारे जीवन में कई ऐसी नई संभावनाएं भी पैदा हो गई हैं, जिनसे आने वाले समय में विश्व में कई महत्वपूर्ण बदलावों की उम्मीद की जा सकती है। हमारा देश भी इस कोरोना की आपदा के गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या, आपको बता दें कि काफ़ी आगे बढ़ गई है। हमारे यहाँ कोरोना संकट के बीच सबसे ज़्यादा दबाव लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कोरोना वॉरियर्स पर है। देश में कई जगह तो हम अपनी जिम्मेदारियां निर्वहन करते हुए डॉक्टर, नर्स व कोरोना वॉरियर्स के खुद संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। देश में कुछ जगह हम लोगों की जान बचाने वाले कोरोना वॉरियर्स पर हमला तक हो रहा है, जो कुछ ओछों की ओछी सोच को दर्शाता है। आज के दौर में सबसे पहला व महत्वपूर्ण सबक तो यही है कि जो लोग भी हमारी जान बचा रहे हैं, हमको देश के चिकित्सा सिस्टम से आपदा के लिए तैयार करके बेहतरीन बनाना होगा। कोरोना संक्रमण पर विश्व भर की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विश्व के अधिकांश वैज्ञानिक समुदाय का मानना है कि जब तक कोरोना वायरस की दवा या वैक्सीन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाती, तब तक इस वायरस के संक्रमण को पूरी तरह रोक कर रखना बहुत बड़ा चुनौती है और लगभग असंभव है। लोगों की रोजमर्रा के व्यवहार में बदलाव लाए बिना आने वाले समय के प्रकोप को सीमित करके नियंत्रण असंभव है। हम लोगों को इस वायरस के साथ सुरक्षा के उपाय करके जीना सीखना होगा, हमें इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा। आपने शहरों का हाल तो खूब सुना होगा, लेकिन आइए जरा गांव की बातें बताते हैं। गांव का देखा हाल। जी हाँ, देश में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 3 का दौर जारी है। इसमें भी देश की हर तरफ सड़कें एकदम तो सुनी नहीं पड़ी हैं, लेकिन कई जगह, कई शहरों में एक दो दिन के कर्फ्यू तो लग ही रहे हैं। अधिकांश कामकाज एकदम ठप पड़ा है। समझदार लोग घरों में रहकर कोरोना वायरस के प्रकोप कम होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में एक बात यह भी तय हो गई है कि एक वायरस दुनिया को जिंदगी के अलग अलग तरह के अनमोल सबक सिखा दिया है। जिस तरह से वायरस के बचाव के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया था, उसने आज देश में बिल्कुल ही एक अलग तरह की स्थिति उत्पन्न कर दी है। जिस तरह देश के लोगों को लॉकडाउन 1 व 2 का समय आज देश में बिल्कुल एक अलग ही स्थिति उत्पन्न कर दी। लॉकडाउन 1 और 2 बहुत कुछ सिखा गया, अब लॉकडाउन 3 का काल चल रहा है, वो भी हम लोगों के जिंदगी के बहुत बड़े सबक सिखा कर जाएगा। देश में आने वाले समय में बहुत बड़े बदलाव नजर आएंगे। हम लोगों के जीवन में लॉकडाउन का सबसे बड़ा सबक यह है कि जिस प्रदूषण को कम करने में
अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी हमारे सरकार व प्रयास नाकाम पड़ गए थे। आज उस प्रदूषण को लॉकडाउन के आश्चर्यजनक रूप से एकाक नियंत्रण कर दिया। लॉकडाउन के बीच सबसे अच्छी खबर यह है कि लॉकडाउन की वजह से भारत की राजधानी दिल्ली समेत देश के तमाम दूसरे शहरों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के अप्रत्याशित रूप से भारी कमी आई है। जिस तरह से गंगा, यमुना, हिंडन, नर्मदा आदि नदियों को हम हजारों करोड़ों रुपए सालाना खर्च करके भी स्वच्छ नहीं कर पाए, उसको लॉकडाउन ने चंद दिनों में स्वच्छ व निर्मल बनाकर साफ कर दिया। जिस दिल्ली में प्रदूषण के चलते आसमान में धूल व धुएं के गुब्बारे के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था, आज उस दिल्ली के नीले आसमान में टिमटिमाते तारों का समूह नजर आते हैं। दिल्ली के प्रदूषण पर अगर प्रदूषण विभाग के आंकड़ों की बात करें तो आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर वर्ष 2018 और 19 के दौरान 5 अप्रैल को PM 2.5 का स्तर 300 ऊपर था, जो इस वर्ष लॉकडाउन की वजह से गिरकर बेहद कम औसतन 101 के स्तर पर आ गया है। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार सब कुछ बंद होने के चलते पृथ्वी के कंपन में भी आश्चर्यजनक रूप से कमी आई है। लॉकडाउन के पहले जहां धरती बहुत अधिक कंपती थी, लेकिन अब उसमें एकाएक बहुत कमी आई है। वैज्ञानिकों की माने तो इसमें काफी फायदा हुआ है। अब छोटे स्तर के भूकंपों का पता लगाना आसान हो गया है, जबकि इसके पहले ऐसा करने में मुश्किल आती थी। वहीं देश में सब कुछ बंद होने के चलते ध्वनि प्रदूषण में भी बहुत अधिक कमी आई है। देशवासियों को शोरगुल से फिलहाल निजात मिली हुई है, जो बिना शोर शराबे के चैन से रहना सीख रहे हैं। न्यायपालिका के दबाव में होने का दुष्प्रचार करने वाले जरा गरीबों में झांक कर देखें। लॉकडाउन के चलते हम लोगों की दिनचर्या जो है पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई है, यानी कि बदल गई है। सामान्य दिनों की दिनचर्या से जब हम हटकर कोई काम करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में अवश्य दिखाई पड़ता है। देश में कुछ ऐसा ही प्रभाव दिखाई दिया है इस कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन के काल के दौरान। कुछ लोग अपने घरों में रहकर ही लॉकडाउन अपने रोजमर्रा के कार्य को बखूबी निभा रहे थे, जिससे देश में आने वाले समय में वर्क टू होम की कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। कुछ लोग हर समय अपनी दुनिया में व्यस्त रहते थे, जो अब परिवार के लिए आजकल अपनी आदतों में बदलाव करके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चों के साथ खुश हैं और उनको भरपूर समय देने के लिए इस अवसर का पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। वहीं अपनी दुनिया में मस्त रहने वाली देश की युवा पीढ़ी के रिश्ते नाते निभाने का ज्ञान करवाया गया। यह लॉकडाउन का सबसे बड़ा सबक है। हर आपदा जीवन बचाने के लिए लोगों को एकजुट करके संगठित करने का काम करती है। कोरोना काल ने भी वही कमाल किया है। देश में अपराध नाम मात्र के लिए रह गया है। हर तरह के प्रदूषण के ग्राफ भी एकाएक बहुत गिरावट आई है। देश में रोजाना कचरे के निकलने वाले ढेरों का ग्राफ बहुत कम हुआ था। लोगों ने अपनी जिम्मेवारी के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया। लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू किया। लापरवाही पूर्ण नजरिए में कमी आई। फिलहाल एक तरफ इंसान जहां अपने घरों में रहने को मजबूर था, वहीं दूसरी तरफ देश में वन्य जीवों को काफी सुकून मिला। प्रकृति तरह तरह के खूबसूरत नजारे दिखा रही थी। अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना का नया स्ट्रेन आया है देश में और इससे लॉकडाउन लगेगा, तो हम आपको बता दें कि लॉकडाउन लगाते रहना समस्या का हल नहीं है। बंदिशों के साथ अब हमें आगे बढ़ना होगा और कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। आपदा काल में शैक्षणिक व्यवस्था में आमूचल परिवर्तन होता नजर आ रहा है। देश में स्कूल और यूनिवर्सिटी इस बात की कोशिश में है कि आने वाले समय में पढ़ाई के तौर तरीकों को बदला जाए। ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस का इस्तेमाल एकाएक बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। आने वाले समय में कोरोना के नए स्ट्रेन फैलने का भय के चलते भविष्य में लोगों की भीड़ भाड़ वाले मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स में जाने को रोका तो गया था, लेकिन लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने में भी तेजी लाएंगे। कोरोना वायरस ने देश के घर घर में साफ सफाई और हाइजीन की अहमियत को सिखा दिया है, क्योंकि भारत में अभी तक हाइजीन के स्टैंडर्ड विकसित देशों की तरह नहीं थे, लेकिन आज व आने वाले समय में इसमें बहुत तेजी से सकारात्मक बदलाव आता दिख रहा है।
देशवासी अब साफ सफाई के महत्व को समझ रहे हैं और भविष्य में इन चीजों को लेकर वो बहुत ज्यादा सतर्क रहेंगे। अब लोगों को सड़कों पर थूकने पर भी जुर्माना भरना पड़ेगा। कोरोना काल ने सच पूछो तो अंधाधुंध भागती दुनिया को एकाध रोक कर आराम से सोचने का मौका दिया है। अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि कोरोना ने क्या क्या सबक दिए, लेकिन आपको बता दें कि कोरोना ने हमें यह भी सिखा दिया है कि जान है तो जहान है, बाकी सब मिथ्या है। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।